कोविड टीके के प्रति लोगों को जागरूक करने और भ्रांतियां दूर करने के लिए शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी केंद्र सूचना व मार्गदर्शन केंद्र के संस्थापक मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध मार्गदर्शक मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ ने शनिवार को कोविशील्ड का टीका लगवाया। कामटी रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी केंद्र में टीकाकरण मुहिम की शुभारंभ अवसर पर उन्होंने उपस्थितों का अशरफ ने लगाया टीका, मार्गदर्शन पर टीके की आवश्यकता पर बल दिया। मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ ने संदेश देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की सभी उम्र के नागरिक कोविड का टीका लगवाए, टीकाकरण से ही कोविड मुक्त हुआ जा सकता है। कुछ दिनों पहले मनपा और मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ सभा हुई थी। मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर के नेतृत्व में टीकाकरण की शुरुआत हुई। यहाँ पे तो आपने वैसा देखी होगी कि सुन्नी सेंटर में खासतौर से यहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है और मुसलमानों में जागरूकता की बहुत कमी है वैक्सीन के ताल्लुक से, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि जो रूमर्स उड़ रहे हैं खासतौर से कुछ बातें कि 2 साल में मर जाएंगे और एक्स्ट्रा बातें, तो इसलिए इस इलाके में जो NMC ने यहाँ पर सेंटर शुरू किया है तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और दूसरे ये कि यहाँ के जो इमाम हैं उन लोगों ने भी जो है एक पहल शुरू की है सुन्नी सेंटर के ज़रिए कि ताकि आवाम में मुसलमानों में तब इस कम्युनिटी में एक बेदारी पैदा हो और लोग वैक्सीनेशन के लिए सुन्नी सेंटर आएँ और वैक्सीन लगा कर के जो यहाँ पर खासतौर से NMC ने एक पहल की है कि हम अपने शहर को अपने नागपुर को कोरोना मुक्त करेंगे, कोरोना से आज़ाद करेंगे, तो वो एक अच्छी पहल है और उसके लिए धीमे धीमे जो है नागरिकों का सहयोग भी मिलना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।